हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे आईसी इंजन के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जेई आरआरबी जेई इसरो में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द ऑटो साइकिल इज ए कास्ट एंड डैश साइकिल। दोस्तों, ऑटो साइकिल जो होती है कास्ट एंड वॉल्यूम साइकिल होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका हीट एडिशन प्रोसेस जो होता है वो एट कास्ट एंड वॉल्यूम पे होता है। दोस्तों, आपको कास्ट ऑटो साइकिल ड्रा करके दिखाता हूँ और सारे प्रोसेस को भी समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करें, हम पीबी डायग्राम बनाएंगे आपका। वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। दोस्तों, इस पे प्रोसेस 1-2 जो है वो आपका होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2-3 जो है वो आपका कास्ट एंड वॉल्यूम हीट एडिशन, 3-4 दोस्तों आपका है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4-1 है आपका कास्ट एंड वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो आपने देखा दोस्तों, इसमें कास्ट एंड वॉल्यूम पे हीट एडिशन और रिजेक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इसको कास्ट एंड वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आइडियल डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों, डीजल साइकिल में होते हैं 2 एडियाबेटिक, 1 कांस्टेंट प्रेशर एंड 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आपका आंसर सी। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा दोस्तों। अगर हम पीवी डायग्राम बनाएं डीजल साइकिल की, तो दोस्तों इसमें 2 प्रोसेस होते हैं एडियाबेटिक, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको टोटल इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस 1-2 की बात करें तो ये होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2-3 की बात करें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3-4 की बात करें रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, 4-1 की बात करें दोस्तों कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। आई होप डीजल साइकिल आपको क्लियर हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल साइकिल इंजन इज क्लोज टू। दोस्तों, ये होता है 15-20। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। मैं आपको कंप्रेशन रेशियो डिफाइन करना चाहूँगा दोस्तों। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व की को डिफाइन करें, तो मान लीजिए आपका पॉइंट वन से टू तक कोई प्रोसेस कंप्रेशन हो रहा है, तो जो ये बचा हुआ वॉल्यूम है इसको बोलते हैं कंप्रेशन वॉल्यूम। जो आपका पॉइंट वन से टू तक है दोस्तों, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो डिफाइन करते हैं दोस्तों, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो आर हो जाएगा दोस्तों V1/V2। बिफोर है V1 आपका वॉल्यूम, आफ्टर कंप्रेशन V2 है, तो आपका V1/V2 हो जाएगा दोस्तों। अगर हम इसको लिखना चाहें तो V1 क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, V swept + V compression और डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों V2 आपका कितना दिख रहा है, V compression। आई होप आपको कंप्रेशन रेशियो क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पेट्रोल इंजन हैज़ कंप्रेशन रेशियो। दोस्तों, पेट्रोल इंजन कंप्रेशन रेशियो होता है 6-10। दोस्तों, आपको पेट्रोल का याद रखना है, मान लीजिए आपको पेट्रोल का याद है 6-10, आप इसमें 10-10 ऐड कर दीजिए तो आपका डीजल का आ जाएगा। तो डीजल का अभी हम लोगों ने देखा एबव, तो आपका हो जाएगा डीजल का 16 टू 20। दोस्तों, थोड़ा सा
भी आगे पीछे हो सकता है, मान लीजिए 15 to 22 भी हो सकता है, तो आपका इसके नज़दीक जो आंसर होगा उसी को टिक करना होगा। आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द थर्मोडाइनमिक साइकिल विच पेट्रोल इंजन वर्क्स इज कॉल्ड, दोस्तों पेट्रोल इंजन आपका ऑटो साइकिल पर वर्क करती है। बात करें रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल यूज होती है दोस्तों स्टीम पावर प्लांट में, स्टीम पावर प्लांट। बात करें ब्रेटन साइकिल की दोस्तों, ये गैस टरबाइन पावर प्लांट में यूज होती है, गैस टरबाइन पावर प्लांट। आई होप आपको क्लियर हो गया दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज नोन एज, दोस्तों उसको बोलते हैं हीट इंजन, आपका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों बात करें हीट पंप की, ऐसी डिवाइस जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर मेंटेन करे वो थी हीट पंप। रेफ्रिजरेटर क्या होता है दोस्तों, ऐसी डिवाइस जो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर मेंटेन करे वो आपकी होती रेफ्रिजरेटर। बात करें PMM1 क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड दोस्तों, ऐसी मशीन जो आपका कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करे विथआउट किसी हीट इनपुट के, दोस्तों कोई ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अ 4-stroke इंजन द वर्किंग साइकिल इज कम्प्लीटेड इन, दोस्तों 4-stroke इंजन आपका 2 revolution ऑफ क्रैंक शाफ्ट में कम्प्लीट होता है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कैसे दोस्तों। मान लीजिए ये आपका सिलेंडर पिस्टन, दोस्तों इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जास्ट। दोस्तों सक्शन प्रोसेस में आपका 180 डिग्री क्रैंक रोटेट करता है, फिर आपका कंप्रेशन में 180, फिर आपका पावर में 180, फिर आपका एग्जास्ट में 180, टोटल 720 डिग्री ट्रेवल करता है एक पूरे पावर स्ट्रोक में। दोस्तों आपका 360 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 revolution। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों। वहीं बात करें 2-stroke की, दोस्तों वो एक क्रैंक रिवॉल्यूशन में पूरी साइकिल कंप्लीट करता है, जबकि आपका 4-stroke 2 revolution ऑफ क्रैंक में कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, फॉर सेम हीट एडेड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो, दोस्तों बता दूं कभी भी आपका सेम कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो आपको ऑटो साइकिल ही मोर एफिशिएंट होती है डीजल साइकिल से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ए हाई स्पीड इंजन कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन, दोस्तों हाई स्पीड इंजन आपका ड्यूल साइकिल पे वर्क करता है। कार्नाट साइकिल आपकी दोस्तों आइडियल साइकिल होती है जो आपका कंपैरिजन के लिए यूज होती है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। डीजल साइकिल हमने देखा भी है और ऑटो साइकिल को भी एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी, दोस्तों इसे बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ए 4-stroke पेट्रोल इंजन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश चार्ज एडमिटेड इज, दोस्तों एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो आपका लेस देन होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। दोस्तों इंजन हाई स्पीड पे वर्क करता है तो आपका जितना भी स्वेप्ट वॉल्यूम डिफाइन होता है उससे कम ही वॉल्यूम आपका सक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, नॉक इन डीजल इंजन अकर्स ड्यू टू, तो दोस्तों नॉक इसलिए होता है क्योंकि प्री इग्निशन हो जाता है आपका फ्यूल का, तो आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस बर्निंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें,
इन फोर स्ट्रोक साइकिल द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अकर्स एट। दोस्तों फोर स्ट्रोक आपको बताया हमने कि इसमें सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर पावर स्ट्रोक, लास्ट में आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। दोस्तों सक्शन स्ट्रोक में आपका एटमॉस्फेयर एयर सक होती है, तो एट टाइम ऑफ सक्शन आपका टेम्परेचर मिनिमम होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बिगनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच गैस विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट इफिशियंसी इन आइडियल ऑटो साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। दोस्तों आइडियल ऑटो साइकिल की इफिशियंसी होती है इन टर्म ऑफ कंप्रेशन रेशियो 1-1/r के पावर कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा माइनस वन। दोस्तों आप देख रहे हैं ये जैसे ही गामा हम बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू घटेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो एक से कम वैल्यू घटेगी तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी। दोस्तों गामा डिफाइंड होता है 1+2/f। गामा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोस्तों मान लीजिए जो एफ है ये आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोस्तों फार मोनोटॉमिक ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो गामा मैक्सिमम होता है फार मोनोटॉमिक, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जो मोनोएटॉमिक गैस होगी वही आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी देगी, तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर इज कॉल्ड। दोस्तों इसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये डिफाइंड होती है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, तो आपका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। दोस्तों इंटीग्रेटेड पावर जो होता है वो होता है ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल लॉस पावर। दोस्तों जो हमें कैमशाफ्ट पे पावर प्रोड्यूस मिलती है उसे बोलते हैं ब्रेक पावर, और जो क्रैंकशाफ्ट पे प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। चूँकि कुछ लॉस हो जाता है इसलिए हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द कंप्रेशन रेशियो इन आईसी इंजन। दोस्तों आपको डिफाइन करना चाहूँगा कंप्रेशन रेशियो होता है, मान लीजिए पीवी डायग्राम है आपका प्रोसेस 1:2, मान लीजिए कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है लेफ्ट पे जाने पे। दोस्तों ये यहाँ मान लीजिए V1, ये V2, ये जो बचा हुआ वॉल्यूम है इसको बोलते हैं कंप्रेशन वॉल्यूम, जो 1 से 2 है इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। दोस्तों कंप्रेशन रेशियो डिफाइंड होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, तो दोस्तों हो जाएगा आपका V1/V2। अगर हम V1 को लिखें V swept + VC तो हो जाएगा VC + VSwept, बटे V2 देख रहे हैं दोस्तों आपका VC है तो आपका हो जाएगा VC, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1+VSwept/VC। अब ऑप्शन में देखते हैं हमारा कौन सा मैच करता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1+VSwept/Clearance Volume, तो आपका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन बाय। तो दोस्तों जैसा अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, ये दोस्तों इसमें ये गामा है ना कि वाई है, तो ये इस एफिशिएंसी होती है ऑटो साइकिल की 1-1/ कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा माइनस वन, तो आप देख लेंगे इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों शशि जी ने पूछा हुआ सवाल क्वेश्चन है, तो जैसा कि बताया था मैंने आपका ऑटो साइकिल में 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस 2 आइसोकोरिक, एंड तो आपका आंसर हो जाएगा
कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है दोस्तों, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन। दोस्तों मैं कंबशन को आपको डिफाइन करना चाहूँगा। दोस्तों कंबशन 3 स्टेज में होता है, ये होता है फर्स्ट स्टेज, ये होता है आप सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज होता है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक ये जो वुराब बनता है, ये आपका प्रेशर और क्रैंक एंगल में बनता है थीटा। दोस्तों इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट जो प्रोसेस होता है आपका वो होता है इग्निशन लैग। इग्निशन लैग क्या होता है दोस्तों, जब हम स्पार्क प्लग को इग्नाइट करते हैं और जो प्रेशर इग्नाइट करने के बाद जो प्रेशर बढ़ता है, जो उसमें लैग आता है, जो टाइम का लैग आता है, उसी को इग्निशन लैग कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस था दोस्तों वो होता है फ्लैग प्रोपगेशन। तीसरा होता है दोस्तों आफ्टर बर्निंग। दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा इग्निशन लैग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इग्निशन लैग। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द कॉमन लुब्रिकेंट सिस्टम यूज्ड इन आईसी इंजन ऑटोमोबाइल। दोस्तों लुब्रिकेशन सिस्टम आपका पंप यूज किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हाई प्रेशर पे सप्लाई किया जाता है लुब्रिकेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेशर। इसके लिए हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि हाई प्रेशर लो डिस्चार्ज के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कट ऑफ रेशियो इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। दोस्तों मैं एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल की एफिशिएंसी को लिखना चाहूँगा, ये होता है 1-1 कंप्रेशन रेशियो के पावर γ-1 1/γ कट ऑफ रेशियो के पावर γ-1 बाई कट ऑफ रेशियो -1। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कट ऑफ रेशियो को अगर हम बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी घटेगी, क्योंकि ये वैल्यू माइनस हो रही है दोस्तों। तो इसमें क्या रहा, विच इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा, बोल रहा है जब हम कट ऑफ रेशियो बढ़ाएं तो क्या होगा, तो ये बोल रहा है इट इंक्रीजेज द थर्मल एफिशिएंसी, जैसा कि बट हम देख पा रहे हैं कि अगर हम कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी घटेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि दोस्तों इनकरेक्ट पूछा है। अब दोस्तों मैं कट ऑफ रेशियो को डिफाइन करना चाहूँगा। हमने पीवी डायग्राम देखा था आपका कास्टेंट डीजल साइकिल का, 1-2 था एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2-3 था कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3-4 था आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन, और 4-1 था हीट रिजेक्शन। दोस्तों जो अगर बात करें कंप्रेशन रेशियो को, तो ये हो जाएगा V1/V2। कट ऑफ रेशियो क्या होता है दोस्तों, ये होता है RC से रिफाइन करते हैं, V3/V2 होता है कट ऑफ रेशियो। दोस्तों कट ऑफ रेशियो क्या मतलब होता है, कि जब आपका फ्यूल सप्लाई को बंद कर दिया जाए, मान लीजिए 0.3 पे आपका फ्यूल सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज सर्कुलेटेड इन आईसी इंजन बाई। दोस्तों जैसे आपकी बताया कि आपका पंप के द्वारा यूज होता है, बट आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। क्यों हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं दोस्तों, हमें हाई प्रेशर पे लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट को भेजना पड़ता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच आर फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पार्क इग्निशन इंजन। दोस्तों, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, आपका इग्निशन कोयल होती है, स्पार्क प्लग होता है जिससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, कार्बोरेटर वो होता है दोस्तों जिसमें आपका फ्यूल और एयर की मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर। दोस्तों, कार्बोरेटर आपका पेट्रोल इंजन में ही यूज होता है क्योंकि डीजल इंजन में ओनली एयर सक होती है दोस्तों, ओनली एयर ही सिलेंडर के अंदर जाती है, बाद में कंप्रेशन होने के बाद फ्यूल का इंजेक्शन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर। दोस्तों, ये डीजल इंजन का पार्ट है, ना कि पेट्रोल इंजन का। आई होप आपको क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन फ्रॉम इंजन इंडिकेटर इंडिकेट्स। दोस्तों, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो आपका होता है एक एवरेज प्रेशर। तो आपका आंसर हो जाएगा एवरेज प्रेशर। मैं दोस्तों मीन इफेक्टिव प्रेशर को डिफाइन करना चाहूँगा। दोस्तों, मान लीजिए आपकी ये पी वी डायग्राम है, इस पर कोई साइकिल है आपकी, ये वॉल्यूम वन है, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू। दोस्तों, आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट एरिया ऑफ साइकिल। दोस्तों, ये आपका वर्क हो जाएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, वी वन माइनस वी टू। तो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है दोस्तों वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ये होता दोस्तों आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर। आई होप आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर पूरी तरह से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी व्हेन। दोस्तों, डीजल साइकिल एफिशिएंसी का फार्मूला लिखें, वन माइनस वन अपान कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा माइनस वन, वन अपान गामा आर सी के पावर गामा माइनस वन, आर सी माइनस वन। देखें, अगर हम आर सी बराबर जीरो पुट करें तो ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाता है, वन माइनस वन पाई आर पावर गामा माइनस वन, जहाँ आर आपका कंप्रेशन रेशियो है। दोस्तों, देख रहे हैं, ये आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है। तो आपका आंसर हो जाएगा कट ऑफ रेशियो इज जीरो। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और आपको डिस्कस करना चाहूँगा, एसएससी जेई में पूछा हुआ था आपका। हमने डीजल साइकिल देखा था दोस्तों, 1 to 2 था हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 to 3 था कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 to 4 था एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 था हीट रिजेक्शन। दोस्तों कंप्रेशन रेशियो क्या था, V1/V2। आपका कट ऑफ रेशियो क्या था, V3/V2। अगर हम डिफाइन करें एक्सपेंशन रेशियो दोस्तों, तो एक्सपेंशन रेशियो होता है V4/V3। दोस्तों, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें RE into RC, तो दोस्तों आपका बचेगा RE into RC, तो आपका हो जाएगा V3/V2 into आपका ये था V4/V3। तो V4/V3 आप V3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, आपका V4/V2 आ जाएगा। आप यहां से देख पा रहे हैं V1 बराबर V4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा V1/V2। तो आपका दोस्तों यही आपका R के बराबर है। तो आपका जो रिलेशन आता है यहाँ से आ जाएगा, जो आपका कंप्रेशन रेशियो होता है वो आपका होता है एक्सपेंशन रेशियो इनटू कट ऑफ रेशियो, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, एक बार एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपका एक्सपेंशन रेशियो दिया था 20:1, आपका कट ऑफ रेशियो दिया था
टू संबंध वन आपका पूछा हुआ था कंप्रेशन रेशियो, सॉरी दोस्तों ये कंप्रेशन रेशियो दिया था आपका आर, तो आपका एक्सपेंशन रेशियो पूछ रहा था। तो आप रिलेशन जानते हैं, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो इन टू कट ऑफ रेशियो, तो आपका एक्सपेंशन रेशियो आ जाएगा 10/1। तो ये आपका रहा SSC का क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।